हेलो एवरीवन, गीतिका हियर फ्रॉम HDB सीनियर सेकेंडरी स्कूल. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोर पोएम ऑफ बुक फर्स्ट फ्लाइट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स. कैरोलिन वेल्स वाज बोर्न ऑन June 18, 1862 इन US. शी इज़ पॉपुलर फॉर हर मिस्ट्री स्टोरीज, चिल्ड्रन बुक्स एंड ह्यूमरस पोएम्स. सो हाउ टू वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स इज़ आल्सो ए ह्यूमरस पोएम. इट टेल्स हाउ वी कैन टेल डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स. तो इसमें पोइट्रस ने क्या बताया है हमें, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि जब हम जंगल में जाते हैं तो किस तरह के एनिमल से हमारा सामना हो सकता है, एनकाउंटर हो सकता है. इसी तरह से ये एक बहुत कॉमिकल पोएम भी है. इसमें हमें बेसिकली 4 or 5 बीस्ट के बारे में बताया गया है, एशियन लॉयन, बेंगोल टाइगर, बियर, लेपर्ड एंड कैमिलियन. तो इसी तरह से यहाँ पर पोएम स्टार्ट होती है, इफ़ वी एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. टॉनी बीस्ट इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन. अब यहाँ पोएट्रेस कह रही है कि अगर कभी हम ईस्ट साइड में जंगल्स में जा रहे हैं तो हमारा जो एनकाउंटर है एकदम से एक लॉर्ज और टॉनी बीस्ट से होता है, एक वाइल्ड क्रिएचर से होता है, बड़ा सारा क्रिएचर. टॉनी यहाँ क्या हुआ, टॉनी यहाँ एक येलोइश ब्राउन कलर हुआ. और अगर वो हमारी तरफ रोर करता है ज़ोर से और ऐसा लगता है कि हम मरने वाले हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एशियन लॉयन है. यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट जो है, टॉनी बीस्ट है जो, इसको बोला गया है इट इज़ एशियन लॉयन हियर. फिर आते हैं सेकंड स्टेंजा पे. सेकंड स्टेंजा, और इफ़ समवन व्हेन रोमिंग ग्राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ग्रीट्स यू. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू द सन. इट मीन्स कि अगर तुम कभी एशिया ईस्ट में ही जंगल में जा रहे हो, घूम रहे हो, तो एक वाइल्ड बीस्ट आपका स्वागत करता है. वाइल्ड बीस्ट इन द सेंस विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसकी बॉडी जो बैकग्राउंड है वो तो येलो कलर का है लेकिन जो स्ट्राइप्स हैं वो ब्लैक कलर की हैं. और नोटिस करो, अगर ये तुम्हें खा जाता है तो इट मीन्स ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है. येलो बैकग्राउंड, ब्लैक स्ट्राइप्स, और अगर ये तुम्हें खा जाता है तो ये क्या है, बंगाल टाइगर है. अब यहाँ पर एक कॉमिकल थिंग है कि जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स इट, अगर वो हमें, अब यहाँ हंसी वाली बात ही तो है, अगर वो हमें खा ही लेगा तो हमें पता कैसे चल जाएगा. तो इन दिस वे कि पोएट ने जो है यहाँ पर ह्यूमर डाला है, यहाँ पर कॉमिकल इफेक्ट दिया है कि अगर वो हमें खाई लेगा तो हमें कैसे पता चल जाएगा. फिर नेक्स्ट पे आता है, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड स्टॉप्स इज पेपर्ड एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड. ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. अब इसी तरह से जब हम स्ट्रॉल करते हैं, स्ट्रॉल मीन्स धीरे धीरे टहलते हैं ईस्ट जंगल्स में ही, तो हमारा सामना, जो हमारा एनकाउंटर है वो एक ग्रेसफुल बीस्ट से होगा. ग्रेसफुल दिखने वाले, बहुत ही ग्रेशियस लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है. तो ये क्या है, ये है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस बीस्ट जो कि कवर्ड विद स्पॉट्स है, जिसके बॉडी पर डॉट्स लगे हुए हैं. और जब ये हमारे ऊपर जंप करता है, बाउंस करता है, लीप करता है, तो हम समझ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये एक लेपर्ड है. और हम जब, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब हम अगर पेन में रोर कर रहे हैं, ठीक है, चिल्ला रहे हैं दर्द में, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये हमारे ऊपर उतना ही जंप करेगा, उतना ही हमें लीप करेगा, हमारे ऊपर बाउंस करेगा और हमें खा जाएगा जब हम ज़्यादा ज़ोर से स्क्रीम करते हैं. तो यहाँ पर
किसके बारे में बताया पॉइंट ने, लेपर्ड के बारे में, जिसका बैकग्राउंड क्या है, स्पोर्ट्स हैं, जिसकी बॉडी पर स्पोर्ट्स हैं। फिर है when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is the bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. So, यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस। अगर आपको कोई डाउट है, वो कहता है अगर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जंगल में इधर उधर आप मूव करते हैं, तो आगे जाकर आपका सामना किससे होगा, एनकाउंटर किससे होगा, एक बियर से होगा कि जो हमें हग कर लेता है, जो हमें गले लगा लेता है, तो हमें पक्का डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये एक बियर है। और अगर हमें कोई डाउट है, मान लो हमारा कोई डाउट भी है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो हमें क्या देगा, एक और प्यारी सी हग देगा, केयरलेस। सो यहाँ पर अब सार्कास्टिकली भी पोएट कह सकता है, ठीक है, यहाँ पर कमेंटिंग वे में कह सकता है कि पोएट ये कि जोर से तुम्हें पुश करेगा, हिट करेगा, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बियर। कि यहाँ पर अगर हमें पहले नहीं पता चलेगा कि एक बियर है, और ये अब जब हमें हिट करेगा, जोर से हमें हग करेगा, तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा इट इज़ बियर। फिर कह रहा है, दो टू डिस्टिंक्ट बीट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी टेल फ्रॉम ए हाइनादस हाइनस कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। वो कह रहा है कि एक नोविस क्या होता है, हु कम टू अ न्यू, हु कम टू न्यू इन एनी ऑक्यूपेशन एनी प्रोफेशन, जो नया नया आता है, ठीक है, जब हम नॉन प्लस होता है यहाँ पर कन्फ्यूज होना, जब हम किसी नए काम में जाते हैं तो हम कन्फ्यूज होते हैं। कहता है कि इन वाइल्ड बीस्ट को पहचान करना, इनका जो रिकग्निशन है वो करना, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करना होता है। लेकिन और एक क्रोकोडाइल और एक हाइना के बीच में आइडेंटिफिकेशन करना हार्ड नहीं है, क्योंकि एक हाइना आता है मैरी स्माइल्स के साथ, जब वो हमारी तरफ आता है, टेल फ्रॉम ए हाइना, वो कहता है कि हाइना से पूछो इन द सेंस कि जब हाइना आता है तो वो एक स्माइल के साथ आता है, और अगर क्रोकोडाइल आता है तो वो अपने आंखों में आंसू लिए आता है, इन द सेंस कि क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं ना हम, तो वही बात है, जब क्रोकोडाइल है तो वो विद टीयर्स आता है, और जो हाइना है वो स्माइल के साथ हमारी तरफ बढ़ता है। तो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल। फिर कहता है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्री दिस द कैमेलियन यू सी। इट मीन्स कि वो कहता है कि द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल, जो एक कमीलियन होता है, गिरगिट होता है, वो एक स्मॉल बीस्ट होता है, स्मॉल जानवर होता है, और एक ऐसी चीज़ है किस तरह की, लिजर्ड जैसा लगता है, बिल्कुल लिजर्ड की रेस से बिलोंग करता है, और इसके कान नहीं होते, सिंगल विंग भी नहीं होता, कोई पंख नहीं होता किसी तरह का, और अगर तुम्हें इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे, इट मीन्स कि जो कैमेलियन है वो पेड़ पर बैठा हुआ है। फिर भी हम इस बारे में डेफिनेट हो सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गिरगिट ही है, ठीक है, ये कैमेलियन ही है। एक कैमेलियन क्या है, जहाँ जिस पेड़ पर बैठता है उसी पेड़ पर क्या होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, कलर चेंज कर देता है अपना। तो इसी तरह से अब जो कैमेलियन है, जब वो पेड़ पर बैठता है अपना कलर चेंज करता है, और उसी से हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पर एक डराने वाली बात भी कर रहा है पोएट कि अगर तुम्हें पेड़ पर कुछ ना दिखाई दो, इट मीन्स कैमेलियन वहाँ पर है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, समटाइम्स हो सकता है ना। तो यहाँ पर पोएट थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में है, थोड़ा सा हमें स्केयर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पोएट हमें डिफरेंट डिफरेंट बीस्ट की, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स बताकर उनकी डिफ्रेंसीशन करने में हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट पैरा में वो एशियाटिक लायन के बारे में बताता है, फिर वो हमें
एशियाटिक लॉयन के बारे में बताता है, फिर हमें वो बंगाल टाइगर के बारे में भी बताता है, फिर वो हमें एक लेपर्ड के बारे में बताता है, आफ्टर देन बेयर के बारे में बताता है, फिर हाइएना एंड क्रोकोडाइल के बारे में डिफ्रेंशिएट करता है, और फिर हमें कैमेलियन के बारे में बताता है। सो दिस इज योर पोएम बाय करेनिन वेल्स। सो नाउ राइमिंग स्कीम, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम? स्टार्स ईस्ट, इसको हम एक आइडेंटिफाई करते हैं, सेकेंड लाइन को हम बी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अब ए वाला जो हमारा वर्ड है वो सी वाले से राइम कर रहा है, जैसे चांस एंड एडवांस, तो ये क्या हो गया हमारा, फिर से ए हो गया, ठीक है, ए बी सी सी, चांस एडवांस, ईस्ट बीस, डाइंग लॉयन, तो ये क्या हो गया, ए बी सी सी, द राइम स्कीम ऑफ पोएम इज दिस, ए बी सी सी। फिर पोएटिक डिवाइसेस, रोमिंग राउंड एग्जांपल ऑफ एलिटेशन, एलिटेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनकी जो बिगिनिंग होती है नियर बाय वर्ड्स की, जैसे वेस्टर्न है, विंड है, वॉज, वाइल्ड, तो ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है एलिटेशन के। फिर है हमारा हुज हाइड ही हैज़ एच डब्ल्यू एच एच एच, दिस इज एलिटेशन। देन वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड पोएटिक डिवाइस, जब सेम वर्ड्स की रिपीटेशन होती है, जब सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं तो देयर इज पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन, योर यार्ड हु हग्स एग्जाम्पल ऑफ एलिटेशन। फिर वाई वाई वाई, कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनकी रिपीटेशन तो होती है एलिटेशन, और जब वर्ड्स की रिपीटेशन होती है तो वहाँ पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।